कि शिव चरित जब पूर्ण रूपेण हो जाएगा, आज ही हो जाएगा हम लोग के, और आप ही लोग के अनुसार हम सुनते हैं कि बहुत जल्द सब मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाए। लोजपा को 5 सीट दिया गया है और एक आशा भी व्यक्त किया गया है कि चचा भतीजा मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे। गठबंधन का नेतृत्व मिलकर फैसला करता है और भाई चिराग पासवान जी को कितना सीट मिला आप जानते हैं, और उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। आप जानते हैं बिहार की कई पार्टियां हैं जिसकी उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में हुआ है, इसलिए बिहार के लिए, बिहारियों के लिए और बिहार के विकास के लिए हम लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी को बिहार का 40 सीट देकर उनके प्रधानमंत्री बनाने का। जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे कोई गड़बड़ी होती थी तो लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, आज जब कोई अच्छा काम हुआ तो नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी जी कैसे रिस्पॉन्सिबल हैं। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं विमर्श। देखिए, लोकसभा के चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हैं और ऐसे में सीट शेयरिंग को लेकर चाहे इंडिया गठबंधन हो या एनडीए गठबंधन हो, दोनों अपना जो पत्ता खोलने का नाम नहीं ले रहा है। आप बता दें कि कल कयास लगाया जा रहा था कि आज जो है मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर ऐसा आ रहा है कि आज जो है कैबिनेट विस्तार नहीं होगा। हमारे साथ बात करने के लिए जदयू विधायक ललित मंडल जी हैं, इनसे हम जानेंगे कैबिनेट विस्तार को लेकर और लोकसभा में जो पेच फंसा है सीट शेयरिंग को लेकर। सबसे पहले सर स्वागत। धन्यवाद, आपका भी स्वागत। आज कयास लगाया जा रहा था कि कैबिनेट विस्तार होगा लेकिन आज भी नहीं होगा, क्या कहते? देखिए, ये तो सरकार के जो प्रधान होते हैं बिहार में हमारे विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ये पर्सनल दायित्व है कि वो कब विस्तार करेंगे, और हमको लगता है कि सीट शेयरिंग जब पूर्ण रूपेण हो जाएगा, आज ही हो जाएगा हम लोग के, और आप ही लोग के अनुसार हम सुनते हैं कि बहुत जल्द सब मंत्रिमंडल का भी विस्तार किया जाएगा। चिराग पासवान नाराज चल रहे थे लेकिन सही समय आने पर चिराग पासवान को उचित सम्मान मिला है, 5 लोकसभा का सीट और 1 राज्यसभा सीट देने का उम्मीद है, तो क्या लगता है जिस प्रकार से नीतीश कुमार पे हमलावर थे चिराग पासवान और फिर से एनडीए में नीतीश कुमार आ गए हैं तो उनके साथ इतना सीट मिल रहा है? दूसरी तरफ पशुपति पारस जो लगातार महागठबंधन में थे उनको जो है लोकसभा के सीट से दरकिनार कर दिया गया है, उन्हें गवर्नर या राज्यपाल या तो राज्यसभा सांसद भेजने की तैयारी की जा रही है, तो क्या लगता है चिराग पासवान जिस प्रकार से 2020 के विधानसभा चुनाव में जदयू को तीसरी पार्टी बनाने में जो योगदान दिए थे उस डर से चिराग पासवान को 5 लोकसभा सीट दिया जा रहा है? देखिए, जहां तक गठबंधन की बात, आप जानते हैं गठबंधन में फैसला गठबंधन का नेतृत्व मिलकर फैसला करता है, और भाई चिराग पासवान जी को कितना सीट मिला आप जानते हैं, और उससे हम लोग को कोई दिक्कत नहीं। जनता दल यूनाइटेड एनडीए में है, पूरे दिलो दिमाग से है, सब चीज साफ है हमारे साथ। एक पारदर्शी रूप में आपको बताते हैं कि हमारा एक ही लक्ष्य है कि हम प्रधानमंत्री के रूप में तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को देखना चाहते हैं, और इस कारवा में जो हमारे साथ आ जाते हैं उनका स्वागत है, और राजनीति में कोई किसी का स्थायी दोस्त और कोई स्थायी दुश्मन नहीं होता है। आप जानते हैं बिहार की कई पार्टियां हैं जिसकी उत्पत्ति कांग्रेस के विरोध में हुआ है, इमरजेंसी में आज वही सब पार्टियां कांग्रेस के साथ मिलकर गलबाइयां कर रहा है, इसलिए राजनीति में सब चलता है, ये कोई मायने नहीं रखता। चिराग पासवान खुद को मोदी के हनुमान कहते थे, उनको सम्मानजनक सीट भी मिलने का चांस है और पशुपति पारस ऐसा उम्मीद लगाया जा रहा है कि एनडीए गठबंधन से नाराज चल रहे हैं और महागठबंधन की तरफ से 5 सीट देने का ऑफर भी आया, क्या लगता है पशुपति पारस एनडीए में रहेंगे या तो सीट नहीं मिलने के चलते इंडिया गठबंधन में? देखिए, जहाँ तक सीट चेयरिंग की बात है, आप लोग भी जानते हैं, आप ही लोग के थ्रू हम लोग भी जानते हैं कि लोजपा को 5 सीट दिया गया है और एक आशा भी व्यक्त किया गया है कि चचा भतीजा मिलकर भी चुनाव लड़ेंगे तो जीत का मार्जिन और अच्छा रहेगा, जीतेंगे 400 सीट, अगर दोनों मिल के लड़ते हैं तो और अच्छा मार्जिन से हर सीट पर हमारा जीत होगा, इसलिए इस आशा में 5 सीट दिया गया है। और पशुपति नाथ पारस जी क्या करेंगे नहीं करेंगे ये तो उनकी बात है, हालांकि उनके दिल में भी
प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी जी बसते हैं। हमको लगता है वो एनडीए नहीं छोड़ेंगे, और छोड़ेंगे कि नहीं छोड़ेंगे उनका व्यक्तिगत फैसला होगा, उसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते। आप दिल मिलने के बात कर रहे हैं, लेकिन पशुपति पारस कह रहे हैं दिल और दल दोनों अब नहीं मिल सकता है। आप जानते हैं कई उदाहरण है, अभी भी बहुत गठबंधन हुआ, आप देखिए हर जगह जो कभी अलग हुआ था आज साथ हो गया, वो कभी साथ हुआ था तो अलग हो गया। राजनीति में अस्थायी रूप से दोस्त और अस्थायी रूप से दुश्मनी नहीं होती, इसलिए हमारा मानना है कि सब चीज ठीक हो जाएगा, आज शाम तक में आप देखिएगा कोई परेशानी नहीं। लोकसभा का चुनाव है, जनता के बीच जाइएगा, किस विजन के साथ जाइए? तेजस्वी यादव लगातार 17 साल और 17 महीना में क्रेडिट लेने का होड़ जमा हुआ है, तो किस विजन के साथ जाइए? आज मान लीजिए जब तेजस्वी जी हमारे साथ थे तो कोई गड़बड़ी होती थी तो लोग कहते थे कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जाने, आज जब कोई अच्छा काम हुआ तो नीतीश कुमार के बदले तेजस्वी जी कैसे रिस्पॉन्सिबल हो। तेजस्वी जी ज्यादा स्मार्ट बनते हैं, और सब लोग जानते हैं जितने पढ़े लिखे लोग हैं और जो राजनीति करते हैं उनको पता है कि किसी भी राज्य का किसी भी देश का विकास का कार्य और श्रेय उसके जो हेड होते हैं उनको जाता है। और नीतीश कुमार भी बिहार को कहाँ से कहाँ ले चले गए, आप जानते हैं पहले बिहार कहाँ था और आज बिहार कहाँ है, इसमें तेजस्वी जी का क्या हाथ है। इसलिए जनविश्वास यात्रा पर निकले थे, समर्थन भी लोगों को मिल रहा था। आप जानते हैं कि राजद का जो वोट बैंक है केवल वही वोट बैंक उनके साथ था और कोई दूसरा उसके साथ नहीं है, और किसी खास ग्रुप का वोट बैंक मिलने से कोई राजनीति में सफल नहीं हो सकता है। जब तक कि सभी वर्गों से कुछ 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 आदमी जब तक मदद नहीं करेंगे, जब तक समर्थन नहीं देंगे, तब तक वह पार्टी सफल नहीं हो सकती। मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो जाएगा? पहले सीट शेयरिंग आज क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मंत्रिमंडल का विस्तार तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हाथ में है, ये उनका दायित्व है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसमें हम क्या करें, जो दो हजार करें। उन्नीस के लोकसभा चुनाव में 17 लोकसभा सीट पर आपका कैंडिडेट उतरा था, और इस बार सूत्रों के हवाले से खबर आ रहा है कि 16 सीट पर ही लड़ेगा, तो ऐसे में चिराग पासवान को एडजस्ट करने में जदयू को 1 सीट नुकसान होगा। राजनीति में जब भी गठबंधन होता है, अगले बार जब हम लोग बीजेपी के साथ गठबंधन हुआ था तो बीजेपी ने कुछ सीट का बलिदान किया था, इसलिए राजनीति में जब एक दो तीन चार पार्टियां आती हैं तो उसके जो मुख्य घटक होते हैं उनको कुछ न कुछ क्षति होती है, और हम लोग उस क्षति को मायने नहीं रखते हैं। हमने कहा कि हमारा एक ही लक्ष्य है, जब लक्ष्य स्पष्ट हो तो छोटी छोटी बातें सामने में रोड़ा नहीं बनेगी, और हम लोग तीसरी बार नरेंद्र भाई मोदी जी को प्रधानमंत्री बनावेंगे। आप कहिएगा क्यों, इसी में हमारा विकास, बिहार का विकास और तेजी से होगा, इसलिए बिहार के लिए, बिहारियों के लिए और बिहार के विकास के लिए हम लोग फिर से नरेंद्र भाई मोदी जी को बिहार का 4,400 सीट देकर उनको प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। आखिरी सवाल रहा सर, लोकसभा का चुनाव 2019 में आप लोगों ने 39 सीट पर जीत हासिल किए थे, और इस बार 40 के 40 सीट पर दावा तो कर रहे हैं, लेकिन सर्वे कह रही है कि इस बार एनडीए गठबंधन को 3 से 4 सीट पे नुकसान झेलना पड़ेगा। वो तो अभी का वातावरण बता रहा है ना, जो जो समय आएगा और हमारे नेतृत्व के विभिन्न नेताओं का दौरा होगा, और जब जनता को बात बताई जाएगी, विकास की बात की जाएगी, देश के सुरक्षा की बात की जाएगी और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय नीतियों की बात की जाएगी, तो और आपके सामने में 4,400 सीट होगा और 4,400 सीट पर अपार बहुमत से हम। चलिए, ये थे सुल्तानगंज विधायक ललित मंडल जी, जिन्होंने कैबिनेट विस्तार और लोकसभा में जो सीट शेयरिंग को लेकर पेच फंसा है उस पर अपना प्रतिक्रिया दिया। बाकी बात आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी कमेंट्स बॉक्स में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।